साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सुख चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई फ्लाइट से रिलेटेड। आपको पता है साथियों, गवर्नमेंट ने जो वंदे भारत 3 जो स्टार्ट कर रखा है, अभी आपको पता ही है 10 जून से स्टार्ट हो चुका है। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था जिसमें 10, 11 और 12 जून की मैंने फ्लाइट शेड्यूल बताया था। आज हम बात करेंगे 13 और 14 जून की फ्लाइट शेड्यूल की। हालांकि फ्लाइटें बहुत कम हैं, इतना मैं इन चीज़ों से संतुष्ट नहीं हूँ कि साथियों मैं बता दूँ, दो दिन में मात्र 12-11 फ्लाइट हैं और वो भी 7 कंट्रियों से, तो मुझे नहीं लगता इतना कुछ हो पाएगा। फिर भी भाई देख लीजिए लिस्ट के माध्यम से आप कौन सी कंट्री से हैं, कैसे नंबर आ रहा है। सऊदी से रिलेटेड शायद ज़्यादा 2-3 फ्लाइटें हैं इसमें। 13 तारीख और 14 जून की हम बात करेंगे, तो वीडियो के माध्यम से पूरी 3 मिनट में पूरा वीडियो के माध्यम से मैं फ्लाइट के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। और भाई फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन समय पर मिलते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट में बात करें साथियों, 13 जून का फ्लाइट है, मैं बता दूं आपको दिल्ली के लिए टोरंटो कनाडा से ये साथियों फ्लाइट है 13 जून को, जो दिल्ली का इसमें टाइम दिया गया है 1 बजे का। आगे हम बात करें साथियों कि 13 जून को फिर एक फ्लाइट है भाई शिकागो के लिए, शिकागो से दिल्ली के लिए फ्लाइट है जिसका टाइम है 2:20 में इंडिया में पहुंचने का समय दिया गया है। नेक्स्ट बात करें भाई 13 जून को फिर एक फ्लाइट है साथियों जो है लागोस दिबे के लिए फ्लाइट रहेगा साथियों। नेक्स्ट बात करें हम 13 जून की फिर एक फ्लाइट है साथियों रियाद सऊदी अरबिया से, जी हाँ साथियों बॉम्बे के लिए फ्लाइट है, इसका टाइम है साथियों बता दूँ मैं 9:45 का टाइम है। यात्री संख्या इसमें नहीं दी गई है, पेज 3 वाले में, पहले वाले में दी गई थी, इसमें नहीं दी गई है भाई, 2 में थी, 3 में नहीं है। आगे हम बात करें साथियों, मैं बता दूं आपको 13 जून को फिर एक फ्लाइट है दमाम सऊदीया से, जी हां साथियों यह है हैदराबाद के लिए फ्लाइट है, 9:50 का इसका टाइम रहेगा 13 जून का। 13 जून को फिर एक फ्लाइट है साथियों बता दूं जद्दा से है बेंगलुरु के लिए, 11:45 का टाइम है। आगे साथियों बता दूं 14 जून की एक फ्लाइट है साथियों टोरंटो कनाडा से फ्लाइट है जो दिल्ली के लिए लैंड करेगी, 6:45 का इसका टाइम रहेगा। नेक्स्ट फ्लाइट बात करें भाई शिकागो के लिए है 14 जून की जो दिल्ली के लिए है, 7:25 का इसका टाइम रहेगा। फिर एक फ्लाइट है साथियों 14 जून को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से जो फ्लाइट है इसका टाइम है 7 बजे का, जो दिल्ली लैंड करेगी साथियों 14 जून को, जी हाँ। आगे हम बात करते हैं भाई 14 जून को फिर एक फ्लाइट है साथियों रियाद सऊदी अरबिया, रियाद से है बॉम्बे के लिए। नेक्स्ट फ्लाइट बात करें भाई अपन दिल्ली सऊदी अरबिया दमाम है साथियों रियाद दमाम के लिए, 14 जून से ही है जो दिल्ली फ्लाइट लैंड करेगी। 14 जून को एक फिर फ्लाइट है साथियों जद्दा से हैदराबाद से, 8 बजे इसका टाइम है, 11:20 का 14 जून का टाइम है साथियों। 14 जून को लास्ट एक फ्लाइट है साथियों ऑकलैंड न्यूजीलैंड के लिए साथियों फ्लाइट है जो दिल्ली पहुंचेगी 11:30 में। तो साथियों 14 तारीख की बस यही फ्लाइट है, 11-12 फ्लाइटों का शेड्यूल मैंने बताया, बाकी इसके अलावा और कोई फ्लाइट है नहीं। आगे जैसे ही कोई वीडियो आता है, कोई जानकारी मेरे पास आती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बाकी भाई फ्लाइटों से संतुष्ट नहीं हूँ मैं, आपको तो होने हो, आप तो हो ही नहीं सकते, मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि यार इतनी कम फ्लाइटें हैं, इतनी ज़्यादा पब्लिक, पता नहीं ये वंदे भारत 3 क्या चाहता है, इस पर मैं थोड़ी सी इंक्वायरी कर रहा हूँ। मेरे पास जैसे कोई अच्छी अपडेट आती है, वंदे भारत 3 मैटर क्या है, गवर्नमेंट क्या चाहती है, एयर एशिया का क्या प्लान है, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहे। तो चलिए साथियों आज के लिए इतनी जानकारी, नेक्स्ट मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।